विंध्याचल पर्वतों के ऊपर और बाएं गुजरात और मेवाड़ के दाएं बसा मध्य भारत का यह हिस्सा मालवा कहलाता है। यह कभी ज्वालामुखी की कोख से पैदा हुआ था। यही राज है यहाँ की काली मिट्टी का, जिसपे उगने वाले विशाल विहंगम जंगल कभी डायनासोर के घर हुआ करते थे। ये जमीन इतनी जरखेज थी कि इस भूमि ने जाने कब से उत्तर के मौर्य शासकों और गुप्त साम्राज्य को, दक्षिण के सातवाहन और चालुक्य सम्राटों को, खलजी और गुलाम वंश के दिल्ली के सुल्तानों को, मुगलों और मराठों को और फ्रेंच और अंग्रेजी सैलानियों को भी बार बार अपनी तरफ खींचा है। इन एक गर्वीले ऊंचे पठार से हजार फुट नीचे नर्मदा की अप्रतिम हरी भरी घाटी को निहारते तालाबों, झीलों, महलों, मंडपों, मकबरों, मस्जिदों से सजी पत्थर पर तराशी एक खूबसूरत कविता का नाम है मांडू। कहते हैं छठी शताब्दी के दौरान एक बार इस पावन भूमि पर काम करते समय एक किसान को अपने खेत में एक अजीब पत्थर दिखा। जब उसने अपनी खुरपी से उस पत्थर को उखाड़ना चाहा, तो अचानक उसकी लोहे की खुरपी सोने की हो गई। जब वो किसान उस पत्थर को एक लोहार के पास ले गया, तब लोहार ने उसे बताया कि यह तो पारस पत्थर है, जिसके स्पर्श भर से लोहा सोने में बदल जाता है। धार के राजा भोज की लोकप्रियता और सुल्तान गियासुद्दीन की विनोद प्रियता को जोड़ दें तो बनता है मालवा का अंग। एक गुर्जरी चारवाहन को अगर एक सुल्तान से, एक गाने वाली के सुरों को एक बहादुर के शौर्य से, राग भूप को राग कल्याण से, यानी रानी रूपमती को अगर बाज बहादुर से मिलवा दें तो बनती है मालवा की तरंग। मती जहर का प्याला मुंह से लगा के मौत के आगोश में खो गई। अकबर ने चित्तौड़ के हिंदू राज में जौहर की ज्वाला देखी थी। इस बार एक मुस्लिम राज में भी उसे हार न मानने वाली एक पतिव्रता वीरांगना का सामना करना पड़ा। उस रूमानी जमाने, उनके सुरसंगीत और उन प्रेम दीवानों की याद में सारंगपुर के करीब ही मौजूद है रूपमती बाज बहादुर का मकबरा और व्याकरण विशेषज्ञ राजा भोज। यहां से सिर्फ 30 मील की दूरी पर थी उनकी राजधानी धार, जहां से उनका शासन उत्तर में चित्तौड़ से लेकर दक्षिण में कोंकण तक, पूर्व में विदिशा से लेकर पश्चिम में साबरमती तक फैला हुआ था। पर वक्त के साथ सत्ता के बदलाव का असर मालवा की सरजमी पर भी पड़ा। दिल्ली में अपने ससुर की याद में बन रही कुतुब मीनार को पूरा करवाने वाली वीरांगना रजिया सुल्तान के वालिद शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने 1227 में मालवा पर धावा बोल दिया और उज्जैन को फतह कर लिया। किंतु राजा देवपाल ने उनके साथ एक संधि की, जिसकी वजह से मांडू पर आंच नहीं आने पाई। 1293 में जलालुद्दीन खलजी की फौज मांडू पर हमला करके यहाँ का बेशकीमती खजाना लूटकर दिल्ली तो ले गई, पर इसके बावजूद मांडू हिंदू राजाओं के अधीन ही रहा।